लखनऊ के कैसरबाग इलाके के प्रमुख चौराहे पर पेटा की बकरे की तस्वीर प्रदर्शित कर उस पर लिखे लेख पर एतराज जताते हुए मौलाना खालिद रशीद ने होर्डिंग को हटाने की मांग की थी। मुसलमानों के सबसे बड़े पर्वों में से एक ईद उल अजहा से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाई एक होर्डिंग पर विवाद गहरा गया है। पेटा की ओर से बकरीद के पर्व से पहले बकरे की तस्वीर लगाकर प्रदर्शित की गई होर्डिंग पर उलेमाओं ने एतराज जताया। इस मामले पर आपत्ति जताते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए पत्र भेजकर विवादित होर्डिंग को हटाने की मांग की है। हालांकि जानकारी के मुताबिक देर रात होर्डिंग को हटा लिया गया है। बता दें, लखनऊ के कैसरबाग इलाके के प्रमुख चौराहे पर पेटा की बकरे की तस्वीर प्रदर्शित कर उस पर लिखे लेख पर एतराज जताते हुए मौलाना खालिद राशिद ने होर्डिंग को हटाने की मांग की थी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मेल के जरिए भेजे गए पत्र में मौलाना की ओर से कहा गया था कि बकरीद का पर्व आने वाला है, इस मौके पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं और इस होर्डिंग से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हरकत मुसलमानों के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाने के मकसद से की गई है, लिहाजा इस होर्डिंग को हटवा दिया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस तरह की होर्डिंग देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब यह मामला देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामने आया है। ऐसे में इस होर्डिंग को हटाने की और बकरीद के पर्व पर देश में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से लखनऊ पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना देने के साथ ये मांग की गई कि इस विवादित होर्डिंग को हटाया जाए, जिसके बाद होर्डिंग को देर रात ही हटा भी लिया गया।